हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शुभम मैथ 001 में। यहाँ पर आज हम लोग मैथ ट्रिग्नोमेट्री के यानी त्रिकोणमिति के केवल 5 बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। यानी कि बोर्ड के एग्जाम में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन अक्सर करके इन 5 में से लगभग मान के चलिए कि पूछ ही देगा। तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मान लीजिए 5 ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इन्हीं 5 क्वेश्चंस में यदि आपका एक नंबर का फायदा हो जाता है तो फिर क्या दिक्कत है। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम चाहेंगे कि आप जो है सबसे पहले इन वैल्यूज को देख लीजिए। वैल्यूज अगर याद रहेंगे तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएंगे आपके। साइन 0.0 होता है, साइन 30.1/2 होता है, साइन 45.1/2 होता है, एंड फन इसी तरीके से ये सभी वैल्यू आपके लिखे गए हैं। और एक चीज़ और नोट डाउन कर लीजिए कि क्लास 10th में आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 0 से लेकर 90 तक के वैल्यू ही केवल तैयार करने हैं। और अब तक आपने अगर नहीं तैयार किया है तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करना भाई, इसको तुरंत तैयार कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम काफ़ी अब नज़दीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 tan 30° अपान 1 tan²30° इसको सॉल्व करना है और बताना है कि जो रिजल्ट आएगा वो इनमें से किसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले ही मैंने बोला था कि tan 30 की वैल्यू, देखिए पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर, आप चाहें तो स्क्रीन शॉट लेकर पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पर आइए, या फिर स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए, बाद में नोट कर लीजिए अगर याद है तो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 और 30 की वैल्यू कितनी होती है? 30 की वैल्यू 1/3। देखिए 30 की वैल्यू जो होती है 1/3। अगर आपको याद रहेंगे तो साड़ी देखने की जरूरत नहीं है। तो 2 tan की वैल्यू हो गई 1/3 अपॉन 1 tan²30। तो देखिए 30 की वैल्यू तो है आपका 1/3, लेकिन स्क्वायर लगा तो हम लोग भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इसका तो ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 2 2 1 2 1 2 5/3। अब देखिए पूरे के बट्टे में हो जाएगा आपका 1 प्लस, ये स्क्वायर है तो दोनों पर लगेगा, इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा, तो 1 का स्क्वायर 5/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2/3 यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, ये 1 का स्क्वायर 5/3 से कड़ी कट जाएगा तो हो जाएगा 3। और ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, चलिए ठीक है स्क्वायर भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2/3 अब देखिए यहाँ पर 1 मान लीजिए, क्योंकि अपान में हम लोग तो 1 मान ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 और 1 कैल्शियम लेंगे, आ जाएगा आपका 3। 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, इससे इसे भाग देंगे तो जाएगा 3 बार, उस 3 का गुणा हम ऊपर वाले में कर लेते हैं यानी अंश में, तो 3 एक कम 3, 3 से इसमें भाग देंगे 3 एक कम 3, 1 आया, 1 का गुणा कीजिए तो आ जाएगा 1। अब ध्यान दीजिए नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले में होती है और बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले में होती है, तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, और अपान में हो जाएगा कड़ी में 3 × 3 = 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए 2 से काटिए 2 एक कम 2 और 2 × 4 हो जाएगा आपका 3 / 3 × 2। अब इसको भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए नीचे 3 × 2, अब 3 से 3 कट गया, बच गया 3/2। अब देखिए 3/2 जो होता है, 3/2 जो होता है, ये होता है आपका साइन 60 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? साइन 60 की वैल्यू। देखिए साइन 60 कहीं ऑप्शन में है क्या? देखिए 3/2 जो होता है आपका साइन 60 की वैल्यू होती है,
साइन 60 का ये यहाँ पर फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इस तरीके से सही होता है। अगर मान लीजिए आपको पहले से नहीं याद है कड़ी में 3/2 की वैल्यू साइन 60 होती है तो आप ऑप्शन को टिक नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए मेरा मानना यह है कि आप जो है इस साड़ी को पहले एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। अगर आपको साड़ी तैयार रहेंगे तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएंगे, केवल 0 से 90 तक की वैल्यू याद ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो भी अगर मान लीजिए अभी तक नहीं तैयार है आपको, तो आप उसको जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में यह मान लीजिए कि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका 1 - tan² 45° अपान में 1 + tan² 45°। अब यहाँ पर tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। चलिए देख लीजिए आपका tan 45 यानी tan 45, देखिए tan ये देखिए 45 इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, डायरेक्ट पुट करेंगे हम इसमें 1 माइनस tan, यहाँ पर रखिए tan 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस tan, यहाँ पर रखिए 1 स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपान में 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 0, अपान में 2 ये आ जाएगा आपका 0। 0 ऑप्शन में है, हाँ तो ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि साइन 2a बराबर है 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। यानी कि आपसे पूछा ये है कि साइन 2a 2 sin a के बराबर है, ठीक है। तो कब बराबर है, एंगल ए की वैल्यू ऐसी क्या होगी जिसके वजह से साइन 2a और 2 sin a दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए एंगल आप अपने हिसाब से सोचकर आप इसमें रखिए, जो आपको सही लगेगा तो खुद ही आपका दोनों लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और तभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो ऑप्शन में दिया हुआ है इन्हीं वैल्यूज को देख लीजिए, अगर इन्हीं वैल्यूज को पुट करने पर लेफ्ट और राइट बराबर हो जाता है तो वो ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। चलिए मान लीजिए हम ए बराबर 0 पुट कर दिए, इसमें ए बराबर 0 पुट कर दिए तो लिखेंगे साइन ये 2 और ए के जगह पर 0 इक्वल टू 2 sin ए के जगह पर 0, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको, साइन 2 और 0 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, आपका ये 2 और साइन 0, ठीक है। अब देखिए साइन 0 को वैल्यू 0 होती है और 2 गुणे साइन 0 को वैल्यू 0 होती है, तो इस तरीके से 0 बराबर 0 मिल गया, तो हमको ये चीज़ क्या मिल गया, सत्य मिल गया, ठीक है। और आप चेक कर लीजिए 30 पर चेक कीजिए क्या सही है। चलिए साइन और देखिए 2 एक जगह कितना रखिएगा आप 30 बराबर 2 sin एक जगह कितना रखिएगा 30। अब देखिए साइन ये 30 गुना हो जाएगा 60 और 2 sin 30। अब चलिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कड़ी में 3/2 और ये हो जाएगा 2 गुणे में साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इससे कट जाएगा तो देखिए कड़ी में 3/2 हो गया ये और ये हो गया आपका 1, तो क्या दोनों बराबर हैं, नहीं। इस तरीके से इन सबको चेक कीजिएगा, बराबर नहीं होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और पहले ही आपको अगर मिल गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आगे सॉल्व नहीं करना है, ये तो मैं आप लोगों को केवल विश्वास दिलाने के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको और विश्वास चाहिए तो 45 पर और 60 पर भी सॉल्व करके चेक कर लीजिए, नहीं आएगा बराबर, केवल 0 पर ही क्या होगा, बराबर होगा। यानी साइन 2a इक्वल टू 2 sin a एंगल ए के लिए बराबर होते हैं कब, जब एंगल ए का मान 0 होगा तब। चलिए अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 - tan² 30 डिग्री, ये इनमें से किसके बराबर है। तो सेम फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व करना है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको जो मान मिलेगा वो चेक करना कि इनमें से किसका मान है, ठीक है। और यही क्वेश्चन ठीक आपका फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन था, देख लीजिए बस इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद हम खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लिया आपने, सॉल्व कर लिया ऑप्शन कमेंट में लिख के भेजिए, जो आपको ठीक लगता है ऑप्शन उसको कमेंट में सेंड कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू
टेन तीस की वैल्यू होती है वन बाई कड़ी में थ्री अपान में वन माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन तीस की वैल्यू वन बाई कड़ी में थ्री का होल स्क्वायर इजक्ल टू दो एक का दो अपान में कड़ी में थ्री। और देखिए वन माइनस ये हो जाएगा आपका ये एक का स्क्वायर और अपान में कड़ी में तीन का स्क्वायर इजक्ल टू दो बटे में कड़ी में थ्री अपान में देखिए एक और माइनस एक का स्क्वायर एक ही होता है और स्क्वायर से कड़ी कट जाएगा तो बचेगा आपका तीन। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा दो बटे में कड़ी में थ्री इसका इसमें गुणा कर लीजिए तीन अक्कम तीन माइनस वन बटे में तीन सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा बीच वाला बीच में तो दो गुणे तीन अपान में कड़ी में तीन और ये देखिए तीन में से एक जाए दो तो गुणे दो। अब देखिए दो से दो कट गया तीन बटे में कड़ी में तीन बचा। हम जैसा कि उस पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि इसको लिख सकते हैं कड़ी में तीन गुणे कड़ी में तीन, तीन को लिख सकते हैं कड़ी में तीन गुणे कड़ी में तीन और नीचे कड़ी में तीन है। अब देखिए इससे कट गया बचा आपका कड़ी में तीन। अब देखिए कड़ी में तीन किसकी वैल्यू है, अब सोचिए कड़ी में तीन जो है आपका साठ टेन साठ की वैल्यू है। देखिए कॉस साठ की वैल्यू होती है आपका एक बटे में दो तो ये नहीं हो सकता, साइन साठ की वैल्यू कड़ी में तीन बटे में दो होती है ये भी नहीं हो सकता, टेन साठ की वैल्यू होती है कड़ी में तीन और साइन तीस की एक बटे में दो तो ये आपका हो जाएगा टेन साठ ऑप्शन चाहिए। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है देखिए क्या लिखा है साइन साठ इंटू कास तीस प्लस साइन तीस इंटू कास साठ, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ठीक है चलिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको वैल्यूज नहीं याद है तो वैल्यू जितना जल्दी हो सके तैयार कीजिए। ठीक है साइन साठ की वैल्यू कितनी होती है कड़ी में तीन बटे में दो गुणे कास तीस की वैल्यू, कास तीस की वैल्यू कितनी होती है कास तीस की वैल्यू भी कड़ी में तीन बटे में दो प्लस साइन तीस की वैल्यू कितनी होती है साइन तीस की वैल्यू एक बटे में दो, कास साठ की वैल्यू कितनी होती है एक बटे में दो। चलिए अब ध्यान दीजिए कड़ी में तीन जिस तरीके से हम लोग तीन को लिख सकते हैं कड़ी में तीन गुणे कड़ी में तीन उसी तरीके से कड़ी में तीन गुणे कड़ी में तीन को तीन भी लिख सकते हैं। ठीक है तो ऊपर वाला बन जाएगा तीन नीचे दो दुना के चार और एक एक कम एक दो दुना के चार, अब एलसीएम लीजिए तो चार का चार में चार का चार में एलसीएम चार ही होता है, चार एक कम चार एक बार है तो तीन एक कम तीन, चार एक कम चार एक एक कम एक तो तीन एक चार हो गया आपका नीचे चार ये से कट गया और आपका आंसर आ गया वन। ठीक है तो चलिए अब वन आपका यानी कि ए ऑप्शन सही है आपका, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त, तो चलिए क्वेश्चन होता है यहीं पर ख़त्म और वीडियो भी होता है यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।